हेलो एवरीवन, मैं अरुण चौधरी। वेलकम टू कटारिया क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि टर्म वन के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसमें एक चैप्टर है अकाउंट्स में हम लोग का रेशियो एनालिसिस। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हमें कम से कम 8 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर हम टर्म वन की बात करें जो कि बोर्ड में होने वाला है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मल्टीपल चॉइसेस, तो उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करेगा ये रेशियो एनालिसिस। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या है, इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसकी कैलकुलेशंस है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बेसिकली रेशियो एनालिसिस की, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं हम रेशियो एनालिसिस। तो जब हम बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की, तो किसी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन, किसी फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए उसका रेशियो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि बिजनेस के एक्चुअल पोजीशन क्या है या बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट रेशियो क्या है, उस बिजनेस क्या अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का पेमेंट टाइमली कर सकता है या नहीं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ का पेमेंट टाइमली हो पाएगा नहीं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो एनालिसिस। क्योंकि बिजनेस में जो न्यूमेरिक डेटा होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर से हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते जब तक कि उसको रेशियो के फॉर्म में रखकर। ये एक मैथमेटिकल टूल है, रेशियो एनालिसिस क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू हम रेशियो एनालिसिस करके बिजनेस की एक्चुअल पोजिशन निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ये रेशियो एनालिसिस की। जब हम बात करते हैं तो हम रेशियो को 4 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है, रेशियो को हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। ये 4 कैटेगरी कौन सी है? पहला ए, जिसे हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड जो होगा वो होगा हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड वन जो होगा वो होगा हमारा टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियो। ठीक है, और लास्ट हमारा रेशियो है क्लासिफिकेशन में, इसे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो रेशियो को आप 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो, पहला लिक्विडिटी, सेकंड सॉल्वेंसी, थर्ड टर्नओवर या एक्टिविटी और लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जब तक अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के ये 4 पिलर हैं रेशियो के। जब तक आप इन चारों रेशियो को कैलकुलेट नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस की एक्चुअल या फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हम इन चारों रेशियो को कैलकुलेट करके अलग अलग चीजें पता चलती है, इन चारों रेशियो से हमें अलग अलग चीजें, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो हमें बिजनेस की शॉर्ट टर्म पोजीशन बताएगा, बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, कि कोई फर्म या बिजनेस या कंपनी शॉर्ट टर्म में यानी 1 साल के अंदर अपने जो भी उनके डेब्ट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, उनका टाइमली पेमेंट कर पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिक्विडिटी रेशियो। देन हम बात करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो की, सॉल्वेंसी रेशियो हमें क्या बताएगा, सॉल्वेंसी रेशियो हमें बताता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगा। इसको निकालकर जब भी हम सॉल्वेंसी रेशियो निकालते हैं तो ये निकालकर हम ये समझ सकते हैं कि फर्म अपने जो भी उनके लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं,
उनका पेमेंट वो ऑन टाइम यानी टाइमली कर पाएंगी या नहीं, उनके पास इतनी लिक्विडिटी कैश सफिशिएंट है या नहीं, ये सब जानने के लिए हमें सॉल्वेंसी रेशियो निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि हम अपने डिबेंचर्स का, हम लोन्स का, बोरोइंग्स का टाइमली पेमेंट कर पाएंगे कि नहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो ये सॉल्वेंसी यानी दो रेशियो हमें दो अलग अलग चीजें बता रहा है, एक लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कि शॉर्ट टर्म में सारी चीजों का पेमेंट टाइमली होगा कि नहीं, और सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा है कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल पोजीशन का हम सही से अपने डेब्ट्स का पेमेंट कर पाएंगे या नहीं, ये दो चीजें। देन आता है आपका टर्नओवर रेशियो, देन आता है टर्नओवर रेशियो या इसे हम एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, इसे हम एक्टिविटी रेशियो भी कहेंगे। टर्नओवर या एक्टिविटी रेशियो बिजनेस के ऑपरेशनल चीजों को बताएगा, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्रीज, वर्किंग कैपिटल, यानी जिन चीजों से बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, जैसे अगर इसमें हम इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर हमें ये बताएगा कि हमारा स्टॉक कितनी जल्दी बिकता है, फिर नए स्टॉक को हम कितने खरीदते हैं, उनकी एज क्या है, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या है, कि कितने दिन के अंदर स्टॉक निकल जा रहा है। फिर डेटर के बारे में इसी में पढ़ेंगे, तो डेटर टर्नओवर ये बताएगा नए डेटर कब क्रिएट होते हैं, डेटर से कलेक्शन कितने दिनों के अंदर मिल जाता है, क्रेडिटर को कितने दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो भी है टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो के अंदर हम देखने वाले हैं, ये पूरा ऑपरेशनल चीजों को बताएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस को आपने कर लिया, बिजनेस में ये भी जानना जरूरी है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, यानी रिटर्न हमें एडिक्वेट रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, सफिशियंट रेट से हम पैसे कमा भी रहे हैं कि नहीं। अगर हम 1 करोड़ किसी बिजनेस में लगा रहे हैं और उसमें से हम सिर्फ 1 ही लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं, तो क्या हमारा रेट ऑफ रिटर्न सफिशियंट है, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया क्या करेक्ट रेट से या सफिशियंट रेट से हम पैसा रिटर्न पा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी तमाम चीजों के बारे में हमें आंसर करेगा ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें बिजनेस के अर्निंग्स के बारे में समझेंगे, इसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है, नेट प्रॉफिट रेट क्या है, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस रेट से हमें पैसा मिल रहा है, इन तमाम चीजों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो ये हमारे 4 रेशियो हो गए, कैटेगरी हो गए, जिनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं लिक्विड रेशियो से। लिक्विडिटी रेशियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। जब हम बात करते हैं करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो चूंकि लिक्विडिटी रेशियो हम पढ़ रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में हम पहला रेशियो देख रहे हैं करंट। करंट रेशियो का फॉर्मूला है हमारा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी इसे हम CA अपॉन CL भी बोल सकते हैं, ठीक। तो करंट एसेट्स या करंट रेशियो में हम जब बात करते हैं, तो करंट रेशियो का हमारा जो आइडियल करंट रेशियो है वो होगा 2:1। हमेशा बिजनेस में जो करंट एसेट्स होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए और जो करंट लायबिलिटी होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। एसेट्स हमेशा ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर देन लायबिलिटी के, ठीक है। तो करंट एसेट्स में हम जो बात करते हैं कि करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स में हम उन एसेट्स को रखते हैं जिनको विद इन अ अकाउंटिंग ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी एसेट्स को हम करंट एसेट्स कहेंगे। करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जिनका पेमेंट हमें विद इन अकाउंटिंग ईयर करना है, उन लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटी कहेंगे। तो ये हो गया हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला। अब हम बात दूसरी रेशियो की करेंगे, क्विक रेशियो या इसे हम लिक्विड रेशियो या तीसरा नाम जो है इसका एसेट टेस्ट रेशियो बोलते हैं। तीनों ही एक ही चीज है और ये भी लिक्विड रेशियो का ही पार्ट है। जब हम बात करते हैं क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो की, तो उसका फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, या इसे हम लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, इसे हम लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं, क्विक एसेट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम बात करेंगे क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा, तो क्विक एसेट्स या को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सारी क्या करंट एसेट्स हमारी क्विक एसेट्स हैं? नहीं, सारी करंट एसेट्स को हम क्विक एसेट्स नहीं मान सकते। क्यों?
क्योंकि जब हम करंट एसेट्स में से दो एसेट्स को हटाते हैं, एक्सक्लूड करेंगे इन्वेंट्री और प्रीपेड, तो फिर जो एसेट्स बचेंगी वो हमारी क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहलाएंगी। तो हमने लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो देखे, एक करंट रेशियो और दूसरा क्विक रेशियो। इसका जो आइडियल रेशियो है वो 2:1 है और इसका जो आइडियल रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ठीक है, तो हमने देखा करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी के बारे में, करंट रेशियो में। अब हम देखेंगे उसका एक्सप्लेनेशन कि करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है। तो करंट एसेट्स में हमने कहा कि ऐसी एसेट्स जिनको विद इन अकाउंटिंग ईयर हम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करंट एसेट्स होती हैं, जैसे ट्रेड रिसेबल। अब ट्रेड रिसेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है हमारा डेटर और एक आता है बिल रिसेबल। ठीक, डेटर कैसे क्रिएट होता है? डेटर हमेशा क्रिएट होता है क्रेडिट सेल से। जब आप सेल करते हो, क्रेडिट पे उधार सामान बेचते हो, तब जो हमें वैल्यू हम कहते हैं उसे क्या मानते हैं? डेटर। और सेम चीज यही बिल रिसेबल के लिए भी होता है। तो ट्रेड रिसेबल के बाद हम प्रीपेड एक्सपेंसेस लेते हैं, करंट एसेट्स का पार्ट है। अगर हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है तो वो हमारे लिए करंट एसेट्स हो गई। कैश और बैंक तो करंट एसेट्स का पार्ट है ही है। फिर इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में यहाँ पे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी इन्वेंट्री, ऐसा स्टॉक जो कि अनसोल्ड रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसको नेक्स्ट ईयर हम बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो भी करंट एसेट्स का पार्ट है। देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पे पैसा लगाया है लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जिसे हम विद इन अकाउंटिंग ईयर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारा करंट एसेट्स का पार्ट है। और अक्रूड इनकम, यानी ऐसी इनकम विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू तो हो गई है, अर्न तो कर लिए, कमा लिए, लेकिन हमने रिसीव नहीं की, तो वो भी करंट एसेट्स का पार्ट है। देन हम बात करेंगे करंट लायबिलिटी की। अब करंट लायबिलिटी में जिनको हमें विद इन अकाउंटिंग ईयर पेमेंट करना है, जैसे ट्रेड पेबल यानी उसमें क्रेडिटर और बीपी। तो अगर डेटर जनरेट होता है क्रेडिट सेल से, तो क्रेडिटर और बीपी जनरेट होगा कहां से? क्रेडिट परचेज से। कि अगर हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं गुड्स, तो उसके लिए जो जनरेट होगा वो क्या होगा? क्रेडिटर या बीपी, जिसे हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं। देन आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग यानी कि इनकम, एक्सपेंसेस ड्यू है, पेमेंट नहीं किया, तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी हो गई। फिर आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर करंट अकाउंट होल्डर्स अपने डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? ओवरड्राफ्ट हो जाएगी, तो वो भी लायबिलिटी है, उसको भी हमें विद इन करंट ईयर में पेमेंट करना है, तो करंट लायबिलिटी। फिर शॉर्ट टर्म लोन, अगर हमने मार्केट से पैसा लिया या बैंक से कहीं से भी पैसे लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे, जिनका पेमेंट हमें एक साल के अंदर करना है, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म लोन करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा। और लास्ट में अनअक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जिसको हमने एडवांस, अगर हमने इनकम ले ली है, तो उसके लिए हमारे ऊपर करंट लायबिलिटी जनरेट होती है, लायबिलिटी क्रिएट होती है। तो ये आते हैं हमारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, किसके अंदर? करंट रेशियो के अंदर। आइडियल करंट रेशियो आपने क्या पढ़ा? 2:1। फिर हमने दूसरा रेशियो पढ़ा क्विक एसेट्स, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, जिसमें हमने फॉर्मूला लिखा लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी वहां पर भी हम सिमिलर यही पॉइंट लेंगे, जितने पॉइंट्स इसके अंदर हैं वही सारे पॉइंट्स वहां पर भी लिए जाएंगे। लेकिन वहां पर हमने एक चीज कही कि क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कि जितने भी करंट एसेट्स हैं, ये सारे जो भी हमारे करंट एसेट्स हैं, इसमें से सिर्फ दो चीजों को अगर हम हटा दें तो वो हमारा फिर क्या बन जाएगा? लिक्विड एसेट्स। वो दो चीजें क्या होंगी? एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड। ये दो एसेट्स ऐसी हैं जो सिर्फ करंट एसेट्स का पार्ट हैं, लिक्विड एसेट्स या क्विक रेशियो का, क्विक एसेट्स का पार्ट नहीं होती। क्योंकि जब हम बात करते हैं लिक्विड एसेट्स की या क्विक एसेट्स की, तो उसमें हम वो एसेट्स लेते हैं जिनको विद इन अकाउंटिंग ईयर नहीं, जिनको कभी भी एनी टाइम हम कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ट्रेडिसेबल, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अक्रूड इनकम, ये सारी ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम कभी भी कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्रीपेड और इन्वेंट्री। इन दो चीजों को इसीलिए हम हटा देते हैं। तो जब क्विक रेशियो हम निकालते हैं, तो उसमें हमें जो जरूरत पड़ती है क्विक एसेट्स की, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछते हैं, क्योंकि इस बार का जो टर्म वन एग्जाम है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो कभी कभी एक क्वेश्चन आ भी जाता है कि ऐसी कौन सी एसेट्स है जो लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं है, तो आंसर होगा प्रीपेड या इन्वेंट्री, जो भी। ठीक है,